सो हे गाइज, मैं अंकित सिंह और मैं आज के इस वीडियो पे गाइज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग भाई मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जो वीडियो देखे हैं कुछ उस तरीके का वीडियो आप लोग कैसे बना सकते हैं, वही फ्रेंड्स आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए गाइज आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइज आप लोग को कुछ इस तरीके का जो है वीडियो बनाने के लिए कुछ आपको जो है इस तरह का वीडियो शूट करना है जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको किसी भी एक कलर का पर्दे को आपको जो है कहीं पे भी टांग लेना है और फिर वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का जो है एक्टिंग करके वीडियो आपको शूट कर लेना है। तो चलिए गाइज मैं चलता हूँ मोबाइल के काइन मास्टर एप्लीकेशन पे और मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस तरह का वीडियो जो है आप लोग को कैसे बनाना है। तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर एप्लीकेशन पे। उसके बाद गाइज आपको सिंपली से करना क्या है, यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। अगेन आपको जो है ये वाला एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेना है। अगेन आपको गाइज करना क्या है, सिंपली से आपको यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है। अगेन आपको गाइज करना क्या है, सिंपली से एक वीडियो सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी। तो इस वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है, देखिए अभी गाइज मैं यहाँ पे भी सेलेक्ट कर रहा हूँ उस वीडियो को, देखिए यहाँ पे। तो इस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस वीडियो का लिंक मेरे वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोगों को जो है इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ला देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं वीडियो ला दिया हूँ। उसके बाद गाइज आपको लास्ट वाला जो पार्ट है इसको आपको कट कर लेना है, जैसे कि मैं अभी कट कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको कट करना है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इधर लास्ट वाला पार्ट पे आना है, फिर आपको इसी लेयर पे क्लिक करके सिंपली से आपको यहाँ कैंची वाला आइकन पे क्लिक करना है। अगेन आपको गाइज करना क्या है कि इस पर आपको क्लिक कर देना है, ट्रिम टू राइट ऑफ लेड, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो इधर का जो पार्ट है वो कट जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको करना क्या है, सिंपली से आपको यहाँ पे जाना है, लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद गाइज आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको करना क्या है कि आप जो भी वीडियो शूट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो जो शूट किया था अपना ग्रीन स्क्रीन पे, तो उस वीडियो को मैं यहाँ से शूट कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे भी चूज कर लिया हूँ। उसके बाद गाइज आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना इस तरीके से, और उसके बाद गाइज आपको इधर स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे साउंड का ऑप्शन होगा, तो इस पर क्लिक करके इसके साउंड को पहले आपको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद गाइज आपको सिंपली से फिर अपने वीडियो का जो आपका फेस क्रीम वाला ग्रीन स्क्रीन वाला जो वीडियो था उस पर आपको लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से इधर नीचे जाना है। तो इधर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो देखिए मेरे को यहाँ पे अभी एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रोमा की करके। तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है क्रोमा की पे, फिर आपको यहाँ सिंपली से की कलर पे क्लिक करना है और जिस कलर का आपका जो है पर्दा है बैकग्राउंड है यहाँ पे उस कलर को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा ग्रीन है तो मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लिया हूँ, फिर इसको ऑन कर देना है कुछ इस तरीके से, और फिर इसको आपको जो है इस तरीके से एडजस्ट करना है, जैसे कि मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। देखिए तो देख सकते हैं गाइज मेरा जो है बैकग्राउंड एकदम अच्छी तरीके से रिमूव हो चुका है, देख सकते हैं। और उसके बाद गाइज आपको इसको करना क्या है कि आपको ऐसे छोटा बड़ा करके आपको एडजस्ट करना है, जैसे कि मैं अभी बड़ा कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप लोग ऐसे करके अपना जो है एडजस्ट करना है, देखिए और देखना है फ्रेंड्स आपको कि कहाँ पे ऐसे जो है ब्यूटी कांत का जो मुंह है इधर आ रहा है, तो उस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं शुरू वाला जो पार्ट है मैं अपना कट कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो है जो मैं वीडियो शूट किया हूँ बड़ा हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे कर लिया हूँ। और फिर आपको इस तरीके से करके स्क्रॉल करके धीरे धीरे आपको एडजस्ट करना है, देखिए कहाँ पे आ रहा है। तो और इधर आपको गाइज करना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं इस तरीके से आपको कर लेना है। तो देखिए मैं अभी इधर आता हूँ, फिर अभी मैं यहाँ पे जाकर आप लोग को दिखाता हूँ कि ऐसे हो रहा है कि नहीं। तो जो मेरा वीडियो है पहले ही हो जा रहा है, तो मैं इसको और इधर साइड में कर लेता हूँ इस साइड में। तो देखिए मैं अभी करूँगा, तो अभी आप लोग देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको जो है गाइज एडजस्ट करना है, देख सकते हैं। तो आपको और थोड़ा सा बड़ा करना है अपने बॉडी को ताकि आपको अच्छा देखने में लगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, देखिए अभी। तो कुछ इस तरीके से गाइज आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, देखिए। तो मेरा फ्रेंड्स जो है वीडियो बनकर एकदम रेडी हो चुका है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आपको करना है, देखिए कुछ इस तरीके से, तो आपका जो वीडियो है बनकर रेडी हो जाएगा। वीडियो को सेव करने के लिए गाइज आपको सिंपली से यहाँ पे क्लिक करना है शेयर वाला आइकन पे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको 1080p से लेकर के फिर आपको जो है यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करके अपने वीडियो को जो है आप लोग गैलरी में सेव कर ले सकते हैं।